Bismillahir Rahmanir Rahim Alaikum Welcome to our first online class of zoology for first year student I am Assistant Professor Humaira Siddiqui and our today's topic is from chapter 10 kingdom animalia the title of the topic is phylum platyhelminthes to study about platyhelminthes just switch over to next slide ji as far as the introduction of the platyhelminthes is concerned

इन एनिमल्स की बॉडी कंप्रेस्ड होती है इस तरह से कि ये चपटी और पतली नज़र आती है जिस तरह से कि एक दरख्त का पत्ता होता है लीफ होता है उस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है कॉमन एग्जांपल्स में इसमें जो है प्लेनेरिया है टैप वर्म है और लीवर फ्लूक पैरासाइट्स भी हैं और फ्री लिविंग ऑर्गेनिज़म्स इस भी इसमें इंक्लूडेड हैं अब इनके जनरल करेक्टर्स के बारे में और इनकी मजीद तफ़ील जानने के लिए चलते हैं स्लाइड नंबर थ्री की तरफ सिमिट्री जैसा कि आपको मालूम है हम बॉडी शेप को कहते हैं अ पर्टिकुलर बॉडी शेप इन विच द इंटरनल ऑर्गन्स आर अरेंज ठीक है इन अ पर्टिकुलर मैनर सो देर आर टू टाइप्स ऑफ द सिमिट्री रेडियल एंड बाइलेट्रल

विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास बेटी अब ये जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ आएँगी ये एक्चुअली हमने क्लास में डिस्कस की हुई हैं लेकिन यहाँ पर मैं आपको दोबारा जस्ट रिकॉल कर रही हूँ आपकी मेमोरी थोड़ा थोड़ा दोबारा आपको गाइड करती जा रही हूँ तो आप तीसरा उसको रिकॉल कर लीजिए क्योंकि अब हम नेक्स्ट इसका करेक्टर जो देखेंगे वो जर्मिनल लेयर्स से रिलेट रे, है ये एनिमल ट्रिपलो ब्लास्टिक हैं इस फाइलम के एनिमल ट्रिपलो मीन्स थ्री जर्मिनल लेयर्स आर प्रेजेंट जर्मिनल लेयर्स एक्टोड्रम मीजोड्रम एंड एंडोड्रम दीज जर्मिनल लेयर्स आर फॉर्म ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड आर कंसर्न विद द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम ठीक है इसको भी हमने डिस्कस किया था एंड दिस इज़ द फर्स्ट फाइलम विच इज़ एक्चुअली ट्रिपलो अब इसके बाद जितने भी फाइलम आएंगे वो सारे हैं अब हम बात करते हैं इसकी इंटरनल बॉडी कैविटी की तो इंटरनल हॉलो बॉडी कैविटी विच इज कॉल्ड द सीलोम इज एब्सेंट ओवर हेयर इंस्टेड ऑफ द सीलोम गैस्ट्रो वेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट वॉट इज सीलोम यू नो वेरी वेल बट आई वॉन्ट टू जस्ट रिकॉल योर मेमोरी तो सीलोम इज एक्चुअली द इंटरनल हॉलो बॉडी कैविटी in which the internal organs are suspended but this cavity is actually formed by the splitting of mesoderm right and gastrovascular cavity is also internal cavity but this is not formed by the splitting of mesoderm and gastrovascular cavity is just a cavity present um, inside the endoderm right so there is a difference between coelom and gastrovascular cavity

एक से ज़्यादा तादाद में होते हैं पूरी बॉडी में ये प्रोटोनफ्रीडिया हैं जिन्हें कॉमनली फ्लेम सेल्स भी कहा जाता है यहाँ स्लाइड की साइड में आपको डायग्राम दिखा रहे हैं प्लेन एरिया की उसमें आप दिख रहे हैं प्लेन एरिया का जो क्रॉस सेक्शन आपको दिखाया है अंदर रेड कलर की आपको तरतीब से जो है वो फ्लेम सेल्स नज़र आ रहे हैं और एक फ्लेम सेल को यानी प्रोटोनफ्रीडिया को बाहर निकाल कर दिखाया हुआ है इसके अंदर सीलिया है ठीक है ये फ्लेम सेल क्यों कहलाते हैं प्रोटोनफ्रीडिया क्योंकि इनके अंदर ये जो सीलिया है ये इंटरनल इन्वामेंट में इस तरह से बीट करता है कि सराउंडिंग जो इसके टिश्यू टिश्यू फ्लूड है और सारा फ्लूड है उसमें से ये नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल को जो है वो सेपरेट कर लेता है अपनी मूवमेंट की वजह से और इसकी जो मूवमेंट होती है सीलिया की वो बिल्कुल ऐसे ही होती है लाइक दैट ऑफ अ फ्लेम ऑफ़ अ कैंडल जिस तरह से एक मोमबत्ती का शोला नहीं मूव करता उस तरह से क्योंकि ये कैंडल के फ्लेम की तरह मूव करता है तो इसका सीलिया इसीलिए इन सेल्स को फ्लेम सेल्स भी कहते हैं ठीक है अब मजीद जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जी अब हम बात करते हैं इनके डाइजेस्टिव सिस्टम की तो डाइजेस्टिव सिस्टम पैरासिटिक फॉर्म्स में तो इनकम्प्लीट होता है क्योंकि पैरासिटिक जो वर्म्स हैं उन्हें डाइजेस्टिव सिस्टम की एसच नीड ही नहीं होती क्योंकि वो होस्ट बॉडी से अटैच रहते हैं और होस्ट बॉडी से जो है वो प्रिपेयर्ड फूड हासिल करते हैं एब्जॉर्व करते हैं सो दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम बट इन केस ऑफ द फ्री लिविंग लाइक दैट ऑफ द प्लेन एरिया द स्पेसिफिक डाइजेस्टिव ट्रैक इज प्रेजेंट एलिमेंट्री किनाल इज़ प्रेजेंट दिस एलिमेंट्री केनाल इज़ ब्रांच्ड उसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं पूरा मतलब ये कि बॉडी में ब्रांचिंग मेकेजम मौजूद होता है और ये सैक लाइक -like होती है यानी कि ये एलिमेंट्री कैनाल या डायजेस्टिव ट्रैक लाइक कहलाता है सैक लाइक -like उस डाइजेस्टिव सिस्टम को कहते हैं जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है अदरवाइज तो डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स होती हैं एक फॉर द एंट्रेंस ऑफ फूड और दूसरी जो है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ वेस्ट मटेरियल बट ओवर हेयर ओनली अ सिंगल ओपनिंग इज प्रेजेंट विच सर्व्स बोथ एज अ माउथ एंड एज अन एस ठीक है दोनों के तौर पर वही काम करती है वहीं से फूड एंटर होती है और वहीं से वेस्ट मटेरियल जो है वो डिस्चार्ज आउट होता है ठीक है अच्छा जी अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें जो है वो दोनों तरह की रिप्रोडक्शन पाई जाती है सेक्जुअल भी और ए सेक्शुअल भी ए सेक्जुअल रिप्रोडक्शन वो टाइप है जिसके अंदर जो है वो सेक्सेस इन्वॉल्व नहीं होती यानी दो इंडिविजुअल की ज़रूरत नहीं होती सिंगल इंडिविजुअल ही नया ऑफ स्प्रिंग रिप्रोड्यूस कर देता है जो ए सक्चुअली रिप्रोडक्शन है मॉड ऑफ ए सक्चुअली प्रोडक्शन इनमें कॉमन वन जो है वो रीजनरेशन का प्रोसेस है ये रीजनरेशन का प्रोसेस यहाँ पर डायग्रामेटिकली प्लेन एरिया में आपको दिखा रहे हैं या आप देख लीजिए ब्राउन कलर में आपको दिखा रहे हैं ये पेरेंट प्लेन एरिया है जो स्प्लिट हो रहा है दो में और एक हेड रीजन और एक टेल रीजन अब आप देखिए कि स्प्लिट होने के बाद ये जो सेपरेट इसका हेड और टेल रीजन बने हैं इन्होंने अपना अपना लॉस्ट पार्ट अगेन रिपेयर कर लिया या रीफॉर्म कर लिया हेड रीजन ने टेल रीजन डेवलप कर लिया और टेल रीजन ने हेड रीजन इस तरह से फाइनली स्प्लिटिंग ऑफ सिंगल इंडिविजुअल से टू इंडिविजुअल वर्म्स फॉर्म हो गए यानी रीप्रोडक्शन हो गई रीफॉर्मेशन हो गई ठीक है सो रीजनरेशन इज अ टाइप ऑफ ए सैक्चुअल रीप्रोडक्शन अब हम चलते हैं सेक्जुअल रिप्रोडक्शन की तरफ और उसको डिस्कस करने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ अगर हम बात करें सेक्जुअली प्रोडक्शन की तो फ्लैट वर्म्स जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं हर्माफ्रोडाइट का मतलब ये है कि सिंगल इंडिविजुअल जो है उसी के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव री, ऑर्गन्स पाए जाते हैं टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव री, ऑर्गन्स एंड ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दोनों एक ही इंडिविजुअल में पाए जाते हैं यानी स्पर्म और एग एक ही इंडिविजुअल में बनते हैं उन्हें हम हर्माफ्रोडाइट कहते हैं तो ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो हर्माफ्रोडाइट हैं लेकिन फर्टिलाइजेशन की बेस पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को दो टाइप्स में तकसीम किया है सेल्फ फर्टिलाइजेशन और क्रॉस फर्टिलाइजेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि एग जो है और इस्प्रम जो कोई इंडिविजुअल बनाता है वो उसी की बॉडी के अंदर आपस में ही फ्यूज़ हो जाते हैं फर्टिलाइज हो जाते हैं यानी कि फ्यूजन ऑफ कैमिट इज़ हैपिन इनसाइड द इंडिविजुअल वेयर दीज स्प्रम एंड एग्स आर फॉर्म्ड तो इन दिस केस द एग्स एंड स्प्रम्स आर प्रोवाइडेड बाय द सेम इंडिविजुअल अच्छा फर्टिलाइजेशन के बाद जो फर्टिलाइज एग है उसको एक प्रोटेक्टिव कवरिंग जो है वो घेर लेती है जिसको हम कोकौन कहते हैं और ये इसे नरिशमेंट प्रोवाइड करती है जो डेवलपमेंट के फर्दर प्रोसेस के लिए ज़रूरी होती है और इसमें फिर फर्दर डेवलपमेंट होती है कोकौन के अंदर लेकिन ये इनसाइड द बॉडी नहीं होती कोकौन रिलीज़ हो जाता है फ्लैटवर्म से इन्वायरमेंट में और इन्वायरमेंट में जो है वो डेवलप होता है ये न्यू वर्म में जब कंप्लीट डेवलपमेंट कोकोन के अंदर हो जाती है तो कोकोन की एक्सटर्नल लेयर जो है स्प्लिट हो जाती है और हैच आउट होता है न्यू वर्म अच्छा क्रॉस फर्टिलाइजेशन केस में क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है, वो दो सेपरेट होते हैं यानी कि एनिमल दो पार्टिसिपेट करते हैं एक एनिमल एग बना रहा है और दूसरा स्पर्म तो स्पर्म बनाने वाला अपने स्पर्म जो है वो रिलीज़ करता है और ये स्प्रम जो हैं दूसरे फ्लेटफॉर्म के अंदर जो है स्किन के थ्रू पैनाट्रेट हो जाते हैं एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वहाँ जाकर उसके एग के साथ फ्यूज़ होते हैं फर्टिलाइज होते हैं यानी यहाँ पर दो इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो गए और फर्टिलाइजेशन हुई है बिटवीन द गैमिट्स ऑफ टू डिफरेंट इंडिविजुअल राइट अब एक ने एग प्रोवाइड किया और दूसरे ने स्प्रम फ्यूजन होने के बाद का प्रोसेस बिल्कुल वही है फर्टिलाइज एग के को कोकॉन फॉर्मेशन कोकॉन फॉर्मेशन की इन्वायरमेंट में रिलीज़ और फिर डेवलपमेंट न्यू वर्म का ठीक है ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन का है यहाँ डायग्रामेटिकली भी दिखा रहे हैं ज़रा इसका भी एक ओवरव्यू देख लीजिए आप ठीक है मजीद करेक्टर्स के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जी ज़्यादातर फ्लैटॉर्म जो हैं वो पैरासाइट्स होते हैं और पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ के लिए यानी अपने होस्ट से अटैच रहने के लिए इनमें स्पेशल एडहेसिव ऑर्गन्स होते हैं जैसे स्पाइंस होक्स और सकर्स वगैरह इनकी मदद से ये होस्ट बॉडी से अटैच कर लेते हैं अपने आप को जैसे कि अगर ये होस्ट बॉडी के इंटस्टाइन में मौजूद हैं तो उसके लिए इनके अंदर सकर्स हैं ये उन सकर्स की हेल्प से अटैच हो जाएंगे और वहाँ से फिर सक करेंगे प्रिपेयर्ड फूड को और स्पाइंस वगैरह होते हैं अगर ये होस्ट बॉडी के ऊपर रह रहे हैं तो उस उन स्पाइंस की मदद से जो है वो स्किन पर जो है वो ग्रिप ले लेते लेती हैं होल्ड करते हैं अपने आप को अच्छा जी इन में दोनों इंक्लूड हैं एक्टो और एंडो पैरासाइड अब हम एक्सप्लेन करते हैं एक्टो और एंडो को एंटोपैरासाइट्स वो पैरासाइट्स हैं जो लिविंग होस्ट के अंदर रहते हैं बॉडी के अंदर जैसे उसकी इंटेस्टाइन में है उसके लिवर में है उसके ब्लड में है यानी कि इनसाइड द बॉडी है सही अब इनकी एग्जांपल्स में जो है वो टैपवर्म्स आ रहे हैं दोनों टाइप के टैपवर्म्स टीनिया सोलियम भी और टीनिया सेजिनेटा भी टीनिया सोलियम जो है वो ह्यूमन इंटस्टिनल पैरासाइट है और टीनिया सेजिनेटा कैटल की इंटस्टाइन में रहने वाला पैरासाइट है जबकि शिस्टोसोमा भी एंडोपैरासाइट है जो ह्यूमन ब्लड पैरासाइट है यानी हमारे ब्लड में डिजीज़ कॉज करता है अच्छा इसके अलावा फ्लैटवर्म्स जो हैं वो एक्टोपैरासाइट्स भी हैं जो होस्ट बॉडी के ऊपर रहते हैं जैसे ह्यूमन स्किन पैरासाइट है डेक्टाइलो गायरस वगैरह ठीक है ये पैरासाइट अपनी लाइफ साइकिल या तो एक होस्ट में स्पेंड करते हैं या दो होस्ट में अगर एक होस्ट में अपनी पूरी लाइफ स्पेंड कर रहे हैं पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं तो इन्हें मोनोजेनिक कहते हैं और अगर ये दो होस्ट में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं तो ये डाइजेनिक कहलाते हैं अब ये जाहिर डिज़ीज़ कॉजिंग हैं पैरासाइट्स हैं तो ये स्प्रेड कैसे होते हैं इन्वामेंट में और किस तरह से इन्फेक्शियस हो सकते हैं और हमारे अंदर भी इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं तो इसके लिए बेटे ये कंटेमिनेट जो वाटर है ड्रिंकिंग वाटर ये कंटेमिनेटेड फूड वगैरह यानी कि आप ये समझ लीजिए कि पुअर सैनिटरी कंडीशंस जो है, वो responsible हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं ज़्यादातर कि उनकी वजह से ये जर्म्स जो हैं या ये वर्म्स जो हैं वो स्प्रेड होते हैं अच्छा ये जो है पुअरली कुक्ड फूड में भी यानी कि रॉ कुक्ड जो आपका मीट वग़ैरह होता है उसमें भी पाए जाते हैं क्योंकि जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये कैटल्स में भी मौजूद हैं तो ये काओ की शीप के मसल्स में पाए जाते हैं ठीक है या लिवर वग़ैरह में तो ये जाहिर है कि मसल्स और लिवर जो है वो हम एज़ ए फूड यूज़ करते हैं तो उस गोश्त को अगर हम गलाएँ नहीं सही से कुक ना करें रॉ कुक्ड हो तो ये पैरासाइट्स ख़त्म नहीं होते बल्कि ये जब हमारे अंदर दाखिल होते हैं हम खाना खाते हैं स्टमक से इंटस्टाइन में जाते हैं तो वहाँ वेकअप हो जाते हैं और इंटस्टाइन में हमारी जो है वो एक्टिव हो जाती हैं और अगेन अपनी जनरेशन रिप्रोड्यूस करने लगते हैं और इन्फेक्शन का बाइस होते हैं ऑब्वियसली ठीक है वहाँ ये अल्सरेशन वगैरह भी कॉज कर सकते हैं हमारे इंटस्टाइन में पेनाट्रेट होकर ऑब्वियसली वंड बनाएंगे पहले तो ज़ख़म और फिर जो है हीलिंग होगी वहाँ से ब्लड की तो अल्सरेशन वग़ैरह भी अगर डेंजरस कंडीशन हो और ट्रीटमेंट या डायग्नोसिस ना हो तो कर सकते हैं ये ठीक ठीक है तो हम किस तरह से बच सकते हैं इनसे ज़ाहिर है कि हाइजेनिक कंडीशन जो है वो अपनी बेस्ट करें इन्वामेंट हाइजेनिक हो केयरफुल इंस्पेक्शन हो हमारी जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनका जो है वो हम एहतियात के साथ जो है वो इस्तेमाल करें साफ़ सुथरी चीज़ें इस्तेमाल करें पॉल्यूशन फ्री चीज़ें इस्तेमाल करें इसके अलावा जो है वो हम जो है कुकिंग प्रॉपर करें थोरो कुकिंग हो यानी कि रॉ कुकिंग ना हो ठीक है ख़ासतौर पे मीट वगैरह की तो इनसे बचा जा सकता है मजीद तफसत जानने के लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर जी ये पैरासिटिक मोड ऑफ लाइफ किस तरह से गुजारते हैं कैसे ये एक सक्सेसफुल पैरासाइट्स हैं उसके लिए ऑब्वियसली इनकी बॉडी में मखसूस करेक्टर्स होते हैं या मस, मखसूस एडोपटेशन्स होती हैं ये अडोप्टेन्स कहलाती है, अच्छा, इन हैं पैरासीटिक अडोप्टेस अच्छा इनमें इनकी थिक बॉडी कवर्स हैं यानी कि इनकी जो एक्सटर्नल या इंजर्नल बॉडी सरफेस है वो कम्पेरेटिवली थिक होती है क्यूटिकल लेयर उसके ऊपर पाई जाती है ताकि जो होस्ट का जिसके अंदर ये रहते हैं जिस पर अटैक कर रहे हैं तो होस्ट का अपना जो डिफेंस मेकेज़म है वो उन्हें रप्चर ना कर दे उससे प्रिवेंशन के लिए इनके थिक बॉडी कवर्स होते हैं इसके अलावा होस्ट से अटैचमेंट के लिए जैसे अभी हमने अर्लियर डिस्कस किया होक्स स्पाइंस और सकर्स मौजूद होंगे एलिमेंट्री के नाल अभी हमने डिस्कस की कि किए पैरासाइट्स में या तो पुअरली डेवलप होती है या कम्प्लीटली एबसेंट होती है ठीक है जैसे टीनिया में है ही नहीं जो आ, आपका इंटस्टिनल पैरासाइट है ठीक है क्योंकि उसकी ज़रूरत नहीं होती इन्हें ये प्रिपेयर्ड फूड हासिल करते हैं इसके अलावा क्योंकि ये बहुत एक्टिव लाइफ नहीं गुजारते कम्प्लीटली डिपेंडेंट होते हैं होस्ट पर तो इनके सेंसरी ऑर्गन्स यानी कि महसूस करने वाले और रिप्लाई करने वाले जो ऑर्गन्स हैं वो भी पुअरली डेवलप होते हैं या कम्प्लीटली एबसेंट होते हैं बिकॉज ऑफ देयर पैसिव मोड ऑफ़ लाइफ एक्टिव मोड ऑफ़ लाइफ नहीं है टू मच एक्टिव नहीं है एक्टिविटीज़ इनकी बहुत लिमिटेड हैं ठीक है थीके? तो ज़रूरत ही नहीं है इनको लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इनका हाईली डेवलप होता है क्योंकि बाहर हाल जब ये होस्ट बॉडी में इन्वेड होते हैं तो होस्ट का अपना जो डिफेंस मकैनिज़म होता है वो इन पर अटैक करता है और इन्हें किल करता है सही तो इनके नंबर ज़ाहिर तादाद कम होने लगती है लेकिन वो इसे ओवरकम कर लेते हैं अपनी जो है वो जितनी भी इनकी तादाद में कमी होती है उसे अपनी मोरटिलिटी रेट जो है रिप्रोडक्टिव रेट की वजह से कि इनमें रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है जस्ट इमेजिन कि हाफ़ एन आवर में ही फिफ्टी या हंड्रेड जो है वो जनरेशन रिप्रोड्यूस्ड हो जाती हैं तो कितने रैपिडली ये ग्रो करते हैं उसके अलावा जो है वो तकरीबन 90 परसेंट में फर्टाइल होते हैं यानी एबल टू रिप्रोड्यूसड ठीक है टेन परसेंट ही होते हैं ऐसे जो रिप्रोड्यूस नहीं करते वरना अदरवाइज तकरीबन सारे ही प्लेटी हेलमेटेज को तीन क्लासेस में डिवाइड किया गया है क्लास नंबर वन टर्बिलेरिया, क्लास नंबर टू ट्रामाटोडा एंड क्लास नंबर थ्री सेस्टोडा क्लास टर्बिलेरिया में तमाम फ्री लिविंग वर्म्स इंक्लूड हैं जो कि मेरीन वाटर में भी पाए जाते हैं और फ्रेश वाटर में भी क्योंकि ये पैरासिटिक नहीं है तो इन्हें हुक्स और सकर्स की ज़रूरत नहीं है तो हुक्स और सकरस इनमें एबसेंट होते हैं कॉमन एग्जाम्पल में प्लेन एरिया इंक्लूड है दूसरी क्लास ट्रेमाटोडा है जिसके अंदर एक्टोपैरासाइड और एंडोपैरासाइड दोनों इंक्लूड हैं यानी कि ये पैरासिटिक वर्म्स है और फ्लू फ्लू कहलाते हैं अच्छा इनमें सकर्स होती हैं अटैचमेंट के लिए और हुक्स एबसेंट होती हैं ठीक है इसकी कॉमन एग्जाम्पल जो है वो फिशियुला हिपेटिका यानी शीप लिवर फ्लूक है सेस्टोडा जो तीसरी क्लास है इसमें सारे के सारे एंडोपैरासाइट वर्म्स पाए जाती हैं इनकी बॉडी रिबिन शेप होती है जैसे कि टीनियासोलीम की है टीनिया सेजिनेटा की है और इनके अंदर जो है वो इन वर्म्स में एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक एबसेंट होता है एग्ज़ाम्पल में वही टैप वर्म्स हैं सारे ठीक है ये सब था फाइलम प्लेटी हलमथिस के बारे में उनके जर्नल करेक्टर्स के बारे में एडॉप्टेशंस के बारे में और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में अब इसको आप तवज्जो तो से पढ़िए सुनिए बार बार लेक्चर को और अपनी बुक से भी जो है वो रीड आउट कीजिए अब हम आपको इसके इससे रिलेट कुछ होमवर्क देना चाहते हैं उसके लिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ